वाले हाथ को ये 80 उठाई मैंने और ये पकड़ा, ठीक है। और उसके बाद में आपको ग्रिप बनानी है, ग्रिप बनाने की कोशिश करना, देखना इस तरह से ये लिया मैंने और ये, ठीक है। और इसके ऊपर फिर ये, ठीक है। और इसके साथ में फिर वापस अब वापस जब इसे उतरेंगे तो चेस्ट के पास में इसको पकड़ना है और यहाँ से इस तरह से ये, ठीक है। लेकिन तुम्हें अभी यहीं तक जाना है और वापस उतरना, मैं बोलूंगा एडवांस, तो एडवांस में एक दो और तीन स्टेप लेने हैं। आगे हूँ तो मुझे हल्का सा सेट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। अगर पीछे हूँ तो थोड़ा आगे सरक करके इस तरह से लेना। ये लिया, अभी मैं बोलूंगा उछल के बीम पकड़। तो जैसे ही मैंने बोला उछल के बीम पकड़, तो कई लोग क्या करते हैं, यूँ इधर उधर इस तरह से करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एनर्जी यानी कि थोड़ी थकान हो जाती है और हमारे जो बीम है जो 10 से 8 हो जाएंगे। तो एक बार जैसे ही मैंने बोला उछल के बीम पकड़, तो जहाँ से पकड़ लिया एक बार बस उसके बाद हिलना ही नहीं है। जैसे मैंने बोला उछल के बीम पकड़ तो ये किया और जहाँ से पकड़ा वहीं से पकड़ लिया, बस ये पकड़ा। और ये पीछे मेरे पाँव वगैरह पंजे वगैरह देखो इस तरह से इस पोजीशन में होंगे और बोलेंगे अप, तो अप के अंदर ये इस तरह से अप, और जब मैं बोलता हूँ डाउन तभी डाउन होना है ये इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आना है ये अप फिर डाउन, ये डाउन, ठीक है, इस तरह से। और फिर जैसे मैंने बोला डाउन तो ये आगे आके इस तरह से डाउन हुए। 10-10 टोट टच लगाने हैं, तो टोट टच कैसे लगाने हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने बोला एडवांस, तो एडवांस जैसे एडवांस हो गए और सेम वही उछल करके भीम को पकड़ लेना है और उसके बाद ये जो हमारे टो है इनको टच करना है इसके ऊपर। तो अभी आप देख लेना, ये जैसे मैंने बोला उछल के बीम पकड़, ये उछल के बीम पकड़ा मैंने और यहीं से अब ये किया और ये इस तरह से टच करना है घुटनों इसको टो को। दोबारा देखना ये है और ये, ठीक है।